नमस्कार, राष्ट्र खबर के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं वसीम अख्तर आपके साथ। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 261 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विकास कार्यक्रमों से जुड़े आयोजन के लिए बने एक भव्य मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 261 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसी मंच पर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून का राज स्थापित करने की बात कही। इस मंच पर योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि लंबे समय से प्रदेश में अराजकता का माहौल है, हमने सत्ता में आते ही इस माहौल को बदल दिया है। अब हमारा पूरा ध्यान कानून राज स्थापित करने और यूपी को विकास की ओर ले जाने की तरफ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने एक महीने के कार्यकाल में प्रदेश की कार्य संस्कृति बदली है, इस दिशा में हम आगे भी काम करेंगे। उनकी ये कोशिश रहेगी कि युवाओं को अपने प्रदेश में ही नौकरी मिले, उन्हें नौकरी करने के लिए बाहर शहर ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनके जिले में ही नौकरी या रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि उनकी सरकार ने 5500 करोड़ बकाए गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। हमारी योजना पुरानी चीनी मिलों के उद्धार के साथ नई चीनी मिलें स्थापित करेगी, और उन्होंने बताया कि यह भी तय किया गया है कि इस साल 5 नई चीनी मिलें भी खोली जाएंगी। किसानों की कर्ज माफी का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की खुशहाली हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राजकोष पर 36,000 करोड़ का बोझ पड़ने के बाद भी सरकार ने यह फैसला लिया कि हम किसान से सीधे गेहूं खरीद कर किसानों के खाते में पैसा डालेंगे। योगी ने कहा कि अभी हमने 25 जिलों में 24 घंटे बिजली देने को कहा है और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र खबर।